तत्वार सूत्र में 10 प्रकार के वैयावृत्त के स्थान बताए जो कि पात्रों की अपेक्षा से हैं। उसमें आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु, मनोज आदि आदि 10 प्रकार के हैं। यथा योग्य उनके स्वभाव के अनुसार दाता, उनकी वयावृत, उन्हें आहार और औषधोपचार आदि करते आए हैं आज तक अक्षुण्ण रूप से। इसके लिए उन्हें यह कर्तव्य बताया गया है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उसमें सैक्ष एक शब्द आता है। शिक्षा सीनह सैक्ष, जो शिक्षा लेने में तत्पर है, देने में जो तत्पर है उसके लिए नहीं, लेने में जो तत्पर है उसको सैक्ष बोलते हैं। मराठी में और कर्नाटक में लगभग शिक्षा का अर्थ दंड होता है, किंतु वह इतना व्यापक नहीं, और यदि है तो उसमें भी हम यही देखना चाहेंगे कि जो दंड देता है और अच्छे ढंग से शिक्षा प्रदान करता है वह शिक्षक भी आज के इस दिवस पर संयम के दिन आ गए। जैनियों के यहाँ एक अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने वाला जैन ब्राह्मण के रूप में दीक्षित कराया जाता था। पहले आदि पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कभी भी शिक्षकों के लिए वेतन देने का और लेने का प्रावधान नहीं था। अर्थ करी विद्या नहीं होती थी, और बालिका हो बालक हो उन्हें उनके योग्य है आरिका वगैरह थी, उनके पास बालिकाओं चली जाती थी, और मुनि महाराज होते हैं उनके पास बालक चले जाते थे, चाहे वह राजकुमार हो, मंत्री का वंश का हो, या और कोई सेठ और साहूकार हो। आज की रिवाज और उस समय रिवाज में बहुत अंतर आ गया। आज विदेश शिक्षा लेने के लिए होड़ लगी, हमारे पास आ जाते हैं महाराज, इनको आशीर्वाद दे दो ताकि यह अच्छे ढंग से शिक्षा लेकर के आ सके। भैया मैं ये कैसे बोलूँगा कि हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, किंतु हमारी भी एक सीमा है, वहाँ पर जाने के उपरांत यूं करते ही यूं करने लग जाते ही गर्दन झुक गई, इसका अर्थ कठिनाई है। और जो व्यक्ति महाराज इसके बारे में मैं स्वयं तैयार हो गया हूँ, हो गई हूँ, बालिका तो फिर भी निर्वाह कर लेगी किंतु बालक लोग कैसे करेंगे। लेकिन कई बालक इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, आते हैं। शिक्षा, विदेशी शिक्षा किसी भी प्रकार से
जैनियों के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से खान पीन, रहन सहन, संस्कार आदि सारे के सारे समाप्त प्राय हो जाते हैं। तो उस समय जिनसेन स्वामी ने यह व्यवस्था दी है, यद्यपि यह प्राचीन व्यवस्था ही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने महापुराण में इस प्रकार का एक स्थान दिया, उसमें इसका उल्लेख किया। गुरु जी कहते थे, देखो ब्राह्मण बनाए जाते हैं और वे जीवन के आदि से या गर्भ से जन्म से नहीं रहते। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ब्राह्मण के बारे में। ब्रह्म, ब्रह्मनी, आत्मनी, ये शाम चर्या ते ब्रह्मचर्यिन, जिनकी चर्या ब्रह्म आत्मा में होती है। आत्मा की बात ही आज विदेशी शिक्षा में आती है, अध्यात्म का आज लोप प्राय करके विदेशों में तो हो ही गया है, किंतु स्थानीय देशों में भी, प्रदेशों में भी इसको नामो निशान नहीं मिल रही। श्रीमान तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कैसे भी हो हमारा लड़का विदेश में ही पढ़ेगा, कोई बात नहीं विदेश में पढ़ाओ, कुछ विशेष देश हो तो पढ़ाओ, कोई विशेष देश तो है ही नहीं, वहाँ पर भेज करके आप इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का ये कहना है, अभिभावकों का, महाराज सब लोग तो कर रहे हैं, सब लोगों के साथ आप भी है क्या, देख लो। आपको तो कर्तव्य था कि सब लोगों को आप अपनी ओर आकृष्ट करते, शिक्षा लेने में कोई बाधा नहीं, लेकिन कौन सी शिक्षा देना है और कितना देना है ये महत्वपूर्ण है। जैसे औषध का सेवन पान करना ये ठीक आवश्यक है, लेकिन वह अपत्य का रूप धारण कर रहा है और वह अहिंसा का विरोध सिद्ध कर रहा है और वह पैसे लूटने के लिए हो रहा है, बुरा नहीं मानना, अन्यथा नहीं लेना। आज सब व्यवसायीकरण, शिक्षा और चिकित्सा दोनों में यदि नहीं हुआ तो हमें बता देना। इस लाइन में आप लोग भी हैं, इसको देख करके बहुत ही खेद जैसा होता है, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं दिख रहा। हमने कहा कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह इसलिए रखा, ये लोग तो पूरे परिग्रह, पूरे आरंभ के साथ रहते हैं, किंतु जैन ब्राह्मण जो होगा वह केवल इन लोगों की शिक्षा और दीक्षा इस प्रकार वह करेगा जिसके द्वारा ये जीवन में औरों को भी तैयार कर सके। यह परंपरा अक्षुण्य बनी रहना चाहिए। जिस प्रकार दीक्षा लेना अनिवार्य है, उसी प्रकार शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों के संस्कार भी आप लोगों के कुटुंब में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह सोच करके ही इस प्रकार के व्यवस्था हम लोगों को दी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी यहाँ पर थे, इतिहास के पन्नों को उठाने से देखने में मिलता है कितना बड़ा यह भारत राष्ट्र है, और वह
देश विदेशों को सब लोगों के लिए निमंत्रण देता था और यहाँ पर उच्च शिक्षा और चिकित्सा आयुर्वेद के भी बारे में और शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर एक धाक था, किंतु आज वह नहीं के बराबर रह गया। यही एक प्रकार से आर्यखंड से उस आर्यखंड को म्लेच्छखंड बनाने के विधियां हैं। ये आर्या म्लेच्छास्य का अर्थ और कुछ नहीं होता, अर्यते अर्यन्ते गुणैः इति आर्यः, जो गुणों के द्वारा एक प्रकार से उपदिष्ट होता है उनको आर्य बोलते हैं। इसी प्रकार नेच भी कैसे आर्य बनते थे इसके प्रयोग भी इसमें विद्यमान है। आर्यते गुणवत् विरवा इति आर्य, जो गुणवानों के साथ रहता है वह भी आर्य बनता है, म्लेच्छ नहीं बनता। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन में कितनी विशालता थी, उदारता थी, कर्मठता थी। आज भी इसको यदि जीवित रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप यदि शिक्षकों को, मुझे कहा गया महाराज हम क्या कहें, हम क्या करें, ऐसा कोई पाठ हमें दे दो, तो पढ़ा लिखा था वो लड़का, ऐसे तीन चार तो आ ही जाते हैं हमारे पास, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो उनको मैं ये कहता हूँ, देखो आदर्श शिक्षक जब तक नहीं बनाओगे, आदर्श शिक्षिकाओं का निर्माण जब तक आप लोग नहीं करोगे, आप अपने विद्यालय चलाओगे कैसे? महाराज आशीर्वाद दे दो, हम विद्यालय खोलना चाहते हैं, आओ। कैसे चलाओगे उसको? क्या पहिया है जो चल जाए? सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थाएं और आयुर्वेद के चिकित्सालय भारत में जैनियों ने ही खोला था, ये इतिहास है। इसको हम एकदम इस प्रकार प्रशंसा के रूप में नहीं लेंगे, यह एक प्रकार से सही है और श्रेष्ठ है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए आयुर्वेद ये एक अहिंसा का सूत्र है। यदि आयुर्वेद के ग्रंथों का पारायण हो गया, समझ लो जो कोई भी इसका पारायण करेगा निश्चित रूप से उसको अहिंसा का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि वह आहार को भी सुधारेगा। क्योंकि चिकित्सा का अर्थ ये नहीं है कि केवल औषध ही औषध होता, और औषध का अर्थ यही नहीं है, यही जो आपके हर्बल जो उसको बोलते हैं काष्ठादि, ये नहीं है। औषध का अर्थ जो शरीर का संशोधित करके मन को भी पवित्र करा सके उसका नाम औषध है, और वह आयुर्वेद के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं। आयुर्वेद का यह प्रचार प्रसार अन्य देशों में भी हुआ है, आज तक उसके इतिहास के पन्ने मिल रहे हैं। और इन दो जो कोरोना के माध्यम से निमित्त से जो यह एक प्रकार से तहलका मच गया, इसमें वह आयुर्वेद के लिए एक प्रकार से दीपक का काम कर गया। हर एक व्यक्ति कहने लगा ये कहाँ रखा गया था, आयुर्वेद के सिद्धांत कहाँ रखा गया था। तो आचार्य अकलम कहते हैं अकाल मृत्यु के प्रदूषणार्थम विनाशार्थम, अकाल मरण को दूर करने के लिए, उसको फेंक करके उखाड़ने के
कोई भी शास्त्र है तो आयुर्वेद शास्त्र है। आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूजपाद, आचार्य दुर्गाचार्य जो कल्याणकारक हैं संपादक उग्रारी, और इतने ही नहीं लिस्ट समुच्चय आदि, ये सभी ग्रंथ आयुर्वेद नहीं आयुर् चिकित्सा के पद्धति को और आगे बढ़ाने में शिक्षक का आज भी काम कर रहे हैं। आज आप लोग इस ओर दृष्टि नहीं रख रहे हैं, आप कर लिए, यदि अन्यत्र औषध की पद्धति यहाँ से ज़्यादा अच्छी है जाइए, कोई वादा नहीं, बिगड़ करके नहीं आना चाहिए, ध्यान रखो। हाँ, आप वहाँ से अनुभव लेकर के आई है और वह यदि काम में का नहीं है, वह काम का नहीं है, तो उससे अच्छा यही है आप यहीं पर तैयार कर लीजिए। तो है ही नहीं, इसलिए तो आप ही लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसे। हाँ, आप ही लोग कर रहे हैं। आप लोगों के लिए शिक्षा बाहर से मिलेगी, आप लोगों के लिए औषधोपचार अमेरिका, नहीं समझे? हाँ, ये पेटेंट है अमेरिका, और भले ही वह उसकी चिकित्सा सही करता है या नहीं करता है, इसको कोई भी पूछता नहीं। बहुत सारी परंपरा वहां पर बिगड़ी हुई है, उसको स्वीकार कर रहा है अमेरिका, और भारत के इस पद्धति को उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा इसकी की है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग दूर दूर से आए हो और इसलिए भूल न जाना, यहाँ से लेकर ले जा करके वहाँ पर भी वितरित करना। अमेरिका ने ये कहा है, चिकित्सा के साथ यदि हम सोचते हैं और शिक्षा के साथ यदि हम सोचते हैं, इसमें आर्वाचीनता और प्राचीनता किस देश में है, स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय इतिहास में यदि विश्व के इतिहास के साथ जोड़ करके अध्ययन करते हैं तो आज भी वह भारत की भाषा हिंदी और उसके इतिहास और उसमें आए हुए चिकित्सा ग्रंथों का एक साथ अध्ययन के लिए 40 या 45 विश्वविद्यालयों को तैयार किया है अमेरिका ने। 40 या 45 सही, ये सोचिए, भारत इसके बारे में सोच नहीं रहा। हाँ, सर्वप्रथम दो चरण बनाए हैं, 150 करोड़ रुपए एक किस्त में वो लगाएगा और शेष जो है रकम वो पूरे पेट दूसरे में कर देगा। इस प्रकार 450 करोड़ रुपयों का व्यय अमेरिका आप लोगों के कहे बिना भी कर रहा है। हाँ, अनेक विश्वविद्यालय में वहाँ पर हिंदी का अध्ययन, हिंदी में शोध, हिंदी में व्याकरण, अन्य भाषाओं की उन्नति के लिए भी यह हिंदीकरण कितना श्रेष्ठ है, इसका उन्होंने अपने इस योजना में रखा है। अब सोचिए, विचार करिए, इसमें कोई जैन सिद्धांत से मतलब नहीं है, न वैदिक सिद्धांत से मतलब है, जिसके द्वारा मानव मात्र की पशु पक्षियों की तक आयुर्वेद में पशु चिकित्सा और पक्षियों की चिकित्सा और मनुष्यों की जो चिकित्सा है ही, किंतु उसके साथ साथ भूतों की भी चिकित्सा बताई गई है। हाँ, दोबारा कहूँ, आप लोगों को कैसा भूत लग गया ये समझ में नहीं आता है।
हाँ विदेशी भूत है, देशी हो तो फिर भी ठीक है। इसलिए लाखों के गुरुकुल यहां पर चलते थे, न गुरु रहे न कुल रहा, कुछ भी नहीं रहा, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं रहा। 70 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए, लेकिन अभी तक शिक्षा नीति के बारे में कोई विस्तृत रूप से चर्चा न हुई है। अब थोड़े बहुत चर्चा का विषय बन रहा है, ये भी एक हम लोगों का सौभाग्य है। यदि यह जन्म होता है इस प्रकार नीतियों का, तो अवश्य ही भारत का पुनरुत्थान हो सकता है। भारत का पुनरुत्थान ही क्यों कह रहे हैं महाराज, भारत से क्यों बोलते हैं आप? सुनो, जिसके होने से विश्व में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी, जिसके होने से विश्व में कभी भी रोग नहीं आएंगे, जिसके कहने से सारी सारी दिमाग भी ठीक ठाक होंगे, उस देश की चिंता करना भी परम आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं इंडिया छोड़ो भारत लौटाओ, क्योंकि अमेरिका जैसे इतनी बड़ी रकम राशि का व्यय करने के लिए तैयार, वो कहाँ पर तैयार है? तो अपने ही देश में कर रहा है, लेकिन भारत से सारी सारी सामग्री वह मंगाना ले जाना प्रारंभ कर दिया, और इसमें भारत बहुत उत्साहित हो रहा। इससे नहीं, आपको अवश्य ही अपने यहाँ काम करना चाहिए था, जो अमेरिका ही क्यों, अनेक राष्ट्र पूर्ववत यहाँ पर आ सके और अध्ययन कर सके। 3-4 वर्ष हो गए होंगे, एक दान यूं कह दो, दान के एक खुराक ही है वो। ऐसे कोई थे जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, अनिल अग्रवाल, हाँ, उन्होंने इस प्रकार का एक संकेत भारत को दे दिया था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा स्थान बनाया जाए जिसके द्वारा कम से कम भी उनका वह 1.5 खरब का राशि का व्यय करने का निश्चय था, लेकिन उसका क्या हुआ बाद में हमें ज्ञात नहीं था। इससे भी बढ़कर के वह राशि थी। इसलिए जो व्यक्ति तज्ञ है, जानकार है, संस्कारित है, तो निश्चित रूप से देश ही नहीं विश्व को भी वह कल्याण के मार्ग पर लगा सकता है, इसमें कोई संदेह का विषय ही नहीं। तो वहां पर मैं ये कह रहा था कि आदि पुराण में इनको ब्राह्मण जाति का घोषित किया उन्होंने, तो उसमें महिलाएं भी रहेंगी और शिक्षक शिक्षिका दोनों रहेंगे, और यह अपने संसार को सुशिक्षित करने का प्रतिज्ञा लेकर के कटिबद्ध होंगे, लेकिन अभी यह स्वप्न मात्र है। किंतु ध्यान रखो, स्वप्न भी यदि आता है तो स्वप्न को साकार भी बनाया जा सकता है। जैसे माता पिता जो तीर्थंकरों के माँ को 16 स्वप्न आए, तो बच्चा आया और वह साकार, माँ के स्वप्नों को साकार करने के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है। किसी भी तीर्थंकरों को स्वप्न नहीं आते, नहीं समझे? और आज तक बहुत सारे शिक्षिका शिक्षक है, लेकिन एक ही माता पिता रहेंगे जो
इस प्रकार के स्वप्नों का अर्थ सुनेंगे और पति जो है उसके अर्थ खोल करके देंगे। हर एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति यह नहीं कर सकता, इसलिए आप लोगों को जो धन यदि मिला है, संपदा यदि मिली है, बुद्धि प्रतिभा यदि मिली है, उन दोनों का, तीनों का, सब का सही सही उपयोग करो। आहार ही औषध है, ऐसा यदि कोई नारा लगाता है तो केवल आयुर्वेद है, औषध की कोई आवश्यकता नहीं है। औषध को हमें आवश्यकता याद ही नहीं करना है। रोटी, दाल आदि आदि अमेरिका ने अभी अभी एक घोषणा अभियान के रूप में किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये घोषणा यहाँ पर होना चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ पर अभियान चालू किया। इसमें और कुछ नहीं था, उसमें ये कहा इन इन रोगों से यदि छुटकारा पाते हो, पाना चाहते हो, तो गेहूं का त्याग कर दो। महाराज गेहूं के बिना तो हम खाएं क्या? आप लोग अपने बाप या दादाजी वगैरह है उनको पूछ लो, गेहूं को कोई पूछता ही नहीं था। हाँ यहाँ पर कोई खाता नहीं था, राजस्थान में तो बाजरा, हाँ ज्वार, मक्का और खिचड़ा। खिचड़ा यह पुल्लिंग है महाराज, और खिचड़ी यह स्त्रीलिंग है। नहीं समझे है? हाँ मोटी दलिया और छोटी दलिया, हाँ। और उसमें उन्होंने ये कहा कि यह मोटा धान्य है बाजरा, ज्वार, मक्का और वो कौन सा, जो जो, हाँ जो, और वह जो के साथ साथ बाजरा को मिला सकते हो, जो के साथ साथ ज्वार को मिला सकते हो, जो के साथ साथ मक्के को मिला सकते हो, जोर के साथ साथ रागी मिला सकते हो। इस प्रकार यह है, उसका संपर्क रख करके एक दूसरे से मिश्रण करने से ये कैल्शियम तो अच्छी मात्रा में है, लेकिन उनका ये कहना था कभी भी आपको पेट संबंधी रोग होंगे ही नहीं, क्योंकि ये मोटे धान हैं। यूं मैदा खा करके आप जो मोटे हो रहे हो, हाँ इसको छोड़ दो, नहीं तो उनका कहना है भारत में 80% गेहूं का सेवन होना प्रारंभ हो चुका है, 20% ही बचा हुआ है। और इन्होंने कहा ये सारे सारे किडनी का है, शुगर का है, और बीपी है, वो है, ये है, जितने भी प्राय करके रोग हैं, हार्ट अटैक वगैरह, ये सारे के सारे उस गेहूं के कारण हो रहे हैं। मोटापा इसमें एक रामबाण है, रामबाण अब तो कहीं मिलता ही नहीं, रावण बाण तो बहुत मिलते हैं। क्या कहे हम, और चूंकि तो मैं भी संयम के साथ बोल रहा हूं ताकि आप सुन सके और सुन करके अन्यत्र भी जा करके कह सके। तो आदर्श शिक्षक और शिक्षकों का संकल्प बनाने का संकल्प कितने व्यक्ति को है मुझे बताओ, और उनमें सर्वप्रथम अपने बच्चे और बच्चियों को तैयार करना चाहिए, यही से मंगलाचरण करो। बुंदेलखंड में हमें बहुत स्थान ढूंढते ढूंढते, महाभारत का जो युद्ध हुआ है ये कहाँ पर होगा, महाभारत का युद्ध इसके लिए बहुत गवेषणा हुई थी, तब बाद में वहाँ मालूम पड़ा कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए। उसी प्रकार हमने भी सोचा
इस अभियान को यदि रूप दिया जा सकता है तो बुंदेलखंड में हो सकता है। इसी प्रकार इस प्रकार के भी जो स्थान है, परिसर है, इनमें ही हो सकता है। गरीब और अमीर से कोई शिक्षा का और चिकित्सा का संबंध नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है यदि अच्छे रईस भी व्यक्ति इस ओर आता है, उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ सकता है और पड़ना चाहिए। इसलिए चुन चुन करके यदि आप इन बीजों का रोपण करते हैं तो फिर वह दिन दूर नहीं है कि अमेरिका इस भारत से प्रभावित ना हो। वह अभी भी भारत से प्रभावित ही है, क्योंकि वो चाहता है और अनेक श्रीमान जो विश्व में हैं उनके पास भी संपत्ति प्रभुत है, अटूट है। वो कहाँ लगाएं इसकी गवेषणा कर रहे हैं। तो हाँ, हम करवाए कि आप करने के लिए तैयार है तो हम आशीर्वाद दे दें। क्योंकि यह कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आज नहीं कल तो कल कहने की अपेक्षा आज करो ना। हाँ, इस संपदा का आखिर यदि दुरुपयोग वगैरह करना चाहो तो दुरुपयोग करो। बहु आरम्भ परिग्रहतम सुबह कह ही दिया, ये छूट नहीं सकता। अरे उसका यदि वितरण होगा तो कितना हित होगा। भारत भारत नहीं, विश्व गुरु कहलाता था भारत। या पुनः वही आ जाएगा। कल के यदि आपको याद रखना है तो पुनः आप चालू कर दो, नहीं है तो इससे कुछ होने वाला नहीं। कब क्या होने वाला ये भी मालूम नहीं है। गवर्नमेंट भी कह रहे हैं भैया आप लोगों को चलाना हम लोगों की कुवत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के भरोसे पर हम चल रहे हैं। ये कहते हो इसने ऐसा मत करो, एक बार तैयार हो जा। तो आदर्श शिक्षक और शिक्षिका बनाने की पद्धति पहले रहती थी और उसके परिणाम ये निकलते थे 16 विषयों के ऊपर। एक प्रकार से प्रत्येक विषय में एमए तक जिसको आचार बना देते थे उस वहाँ तक जला जाता था। और आज विदेशी शिक्षा एमए इत्यादि पढ़ करके आते हैं, न स्वयं दूसरे को पढ़ा सकते हैं न ही उसका कोई पसंद करेगा। पुनः वो वहीं से आए हैं, हमने पहले कहा था पुनः वहीं पर हम रहना चाहते हैं। आप मना भी कर दो तो हमारी नागरिकता तो वहीं पर पक्की हो चुकी है। इसलिए यदि अपने बच्चों को बेचना चाहते हो तो देख लो, यह अच्छा नहीं लगेगा आपको। और कौन सा बेचना है मुझे बताओ ना, तो अपने आप ही बिकते चले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पैकेज। हाँ ये ऐसे पैक है पैकेज, पता नहीं लग रहा है कि इसमें कितना क्या भरा हुआ है। बस इसके लिए जा रहे हैं पहुंचा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, भारतीय व्यक्ति कुछ सोचता भी है वो लौट करके भी आ रहे हैं। बेंगलोर से लौट करके आ रहे हैं बच्चे, हमारे पास आते हैं, पूना से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बनारस से आते हैं और कानपुर इत्यादि के साथ से आते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, अब ये चालू हो गया है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा पद्धति है वही ही हम अपने बच्चों को देंगे। बच्चों की शिक्षा भी वो रोक रहे हैं, बेटा अपने को घर में ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बस बाहर का नहीं पढ़ना है, यहीं पर सब पढ़ लो, हम बता देंगे सब।
इस प्रकार यहाँ पर अतीत का इतिहास था। हम धन और कोई भी चीज को लेकर के अपने संयम को न खोएं और मन के ऊपर लगाम लगाए। पांच इंद्रियों के ऊपर लगाम बाद में लगता, पहले सर्वप्रथम मन के ऊपर प्रशिक्षित करके उसके ऊपर संयम लगाओगे, निश्चित वह क्या कहेगा, मन बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने कि मेरे ऊपर लगाम लगा दिया। बेलगाम से क्या होता है आपको अपने आप ही समझ में और अनुभव में आ रहा होगा। नेहरू जी, गांधी जी जैसे और कोई नेता आपको मिल नहीं सकेगा, किंतु ध्यान रहे उनकी बात को भी आप सुन सुन करके आज एक कान से सुन करके दूसरे कान से ऐसे झाड़ देते हैं उसको, ताकि कोई बच न जाए उसमें। ऐसा ही हो गया, लोकतंत्र तो आप कहते हो, हम तो इसको लोकतंत्र न कह करें, लोभ तंत्र है। हाँ, इतना लोभ बढ़ गया, इतना लोभ बढ़ गया कि वह अपना क्या पराया क्या यह समझता नहीं, और दिल जाने कोसते कैसे तजिए गए, कहते ना गुण और दोष के बारे में जानकारी बहुत अच्छी होना चाहिए, वह आज नहीं रहा। उसके फलस्वरूप हम यूं ही गतानुगतिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे पीछे के इतिहास छोड़ रहे हैं। यूं कह दो, किसी से बचना है तो उसे विपरीत दिशा में उसको भेजना प्रारंभ कर दो। अर्थ नीति के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ, अर्थ तो आवश्यक है, अर्थ तो आवश्यक है, लेकिन कब तक, कितना, इसके बारे में यदि संयम नहीं है तो कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, पक्का है ये। अर्थ के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में कौटिल्य ने एक छोटी सी किताब, उससे पूर्व में मैं ये बताना चाहूँगा, भारत के पास है ही क्या, हम उसके पास चले जाएं, ऐसी धारणा प्राय करके प्रत्येक विदेशी व्यक्ति की होती है। जब अमेरिका या रूस या और कोई देश भी, देश के हाथ में यह कौटिल्य का शास्त्र मिल गया, तब वो यूं करके बैठ गए, अरे जो भारत के पास है वह अन्य किसी देश में है ही नहीं। हाँ, वही है, वही चांदी को बनाने तो वाले तो बाद में, अभी वहाँ के देश को कैसे नहीं, पहले अर्थ को आवश्यक बनाया, आवश्यक तो है, लेकिन उससे क्या आवश्यकता की पूर्ति होती है और कितनी होती है ये पहले देखना आवश्यक है। यदि आप अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो यह सीख रहा है क्या नहीं, और जो पहले सीखा है उसको छोड़ रहा है क्या नहीं, इसको आप देखते रहते हो। तो उसमें उन्होंने यही उल्लेख किया है कि शिक्षा काहे के लिए, बताओ क्या है वो शिक्षा। अर्थशास्त्र का ज्ञान भारत को था, अभी भी है, किंतु विदेशी अर्थशास्त्र की नीति यहाँ पर आने से आप लोग सब उसी ओर बहने लगे हैं। पैसा दिखता है ये अर्थ नहीं,
अर्थ का अर्थ यह है कि हमारे जीवन के जो प्रयोजन है वो जिससे सिद्ध हो, उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसका नाम अर्थ है। अर्थ ये नहीं है सोना चांदी आदि आदि ये व्यवहार चलाने के लिए काम में नहीं आते। हिरण्य जो है वह लोक व्यवहार चलन रूप है, लोक व्यवहार को चलाने के लिए काम में आता है, जिसको आप लोग मुद्रा बोलते हैं, इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं। ये क्या है ये तक लोगों को ज्ञात नहीं है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि यदि अच्छी संपदा है, श्रेष्ठ संपदा है, तो सैनिक है। सुनाओ दोबारा, सैनिक है जो राष्ट्र की रक्षा करता है और अपने को भी वो समर्पित कर देता है। आप भी पुत्र है, कुल दीपक है, ये नीति वहीं से आई है। यदि पुत्र है का धन संचय, पूट कपूत हो तो का धन संचय, और पूत सपूत हो तो का धन संचय, दोनों में का धन संचय, का धन संचय, का धन संचय। समझ में आ रहा है, ये संगीत है इसमें। हाँ, का धन संचय, पागल हो, ये रत्नगण श्रावकाचार्य का छाया है, छाया रूप है ये। यदि संवर है चेत संपदा क्यों प्रयोजनम, यदि पापा निरोध है, यदि पाप का निरोध नहीं है तो वो भी कहते हैं धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रत्नगण श्रावकाचार्य में 2000 वर्ष पूर्व में लिखा, और इसका जो कहते हो अनुवाद करके चाणक्य ने या कौटिल्य ने अपने उस ग्रंथ में लिखा है। वहां पर आप अपने उद्योग के केंद्र खोलो जहां पर किसी प्रकार की सिनेमाबाजी नहीं होती हो। विद्यालय वहां पर खोलो जहां पर विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन का और कोई साधन न मिल सके। आज क्या हो रहा है, यानी जेब में है, ऊपर के जेब में अलग है, इस जेब में अलग है, भीतर के जेब में अलग है, ये लटक रहे हैं मोबाइल। और भिन्न भिन्न स्थान से उनकी रेंज बनी हुई है, ये ऊपर चलो वहां से चालू हो जाएगा, नीचे जाओ नीचे जाओ तो वहां से ये चालू हो जाएगा। हाँ नहीं तो प्रवेश नहीं हो सकेगा। ये हो रहा, सुन रहे हैं हम आज। मनोरंजन आवश्यक है, लेकिन मनोरंजन के साथ मन को नियंत्रण में रखने की विद्या भी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और भी कई बातें उन्होंने लिखी, जहाँ पर जिस देश में जल प्रबंधन नहीं होगा, कृषि अच्छी आएगी नहीं, कृषि अच्छी आएगी नहीं, तो भूखा मरना अनिवार्य हो जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश है, ये आज भी सबको ज्ञात है, लेकिन कृषि को कोई करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? अब उसको विदेशी अच्छा लग रहा, उनका कहना ही यही है। इतिहास और कृषि इत्यादि के माध्यम से जीवन कभी भी उन्नत हो ही नहीं सकता। ये यदि पंक्तियां आप पढ़ कर के आ रहे हो, अभी से आप सिद्ध होगा। अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थ विज्ञान को भी सीखना अनिवार्य है।
लेकिन कब तक और क्यों, यह अवश्य ही उठाना चाहिए लेकिन नहीं उठ रहा, नहीं रहा, इसमें तो यह दिमाग चल ही नहीं रहा है। अब दिमाग धीरे धीरे आने को है, लेकिन तब तक यदि मान लो वह पागल होने को हो गया तो क्या करोगे, फिर बाद में कौन, इलाज क्या है, उसको प्रयोजन क्या होता है ये नहीं बताया। तत्वार्थ सूत्र में यह भी लिखा है कि वह प्रयोजन के बिना मत काम करो। तो प्रयोजन यदि शुद्ध नहीं हो रहा है तो किसी काम का नहीं है। उसको यदि फूकट भी मिल जाता हाथी तो भी बांधो नहीं उसको, नहीं है तो तुम भूख मांग करके उसको पेट भराओ, स्वयं आपके पेट भर नहीं रहा। हाँ लेकिन फेंक दे, महंगा ही नहीं धो, सुनो फूकट भी मिल रहा है, महंगा नहीं कह रहे आप, फूकट भी मिल रहा तो भी नहीं खरीदो, उसको ले हो नहीं। तो आज हमारे लिए क्या हो रहा, कुछ नहीं, विश्व बैंक से निकलता है। आज का चक्रवर्ती का वैभव यदि है तो विश्व बैंक और उसका मालिक अमेरिका है। पांच छह राष्ट्र मिलकर के, पांच छह व्यक्ति मिलकर के विश्व को संचालित किया जा रहा है। क्या है ये, इसी का नाम मायाजाल। आपको मैं पूछना चाहता हूं, सीए क्या होता है मुझे बताओ। हमारे पास आए 150 सीए कुंडलपुर में, महाराज हम आए हैं और यहाँ से हमें निमंत्रण आया है कि आप लोग मिलकर के आओ ताकि देश की समस्या दूर हो जाए। हम आए हैं महाराज, काहे के लिए आए हो, नहीं आपसे हमें कुछ सुनना है और समझना है। भी मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं और आप तो सीए पढ़े हुए हो, लेकिन ये ध्यान रखना इतना तो मुझे आ गया आप लोगों के पास बैठने से उठने से, सीए ये डिग्री कोर्स नहीं है। सुन रहे हो, वह ग्रेजुएट नहीं माना जाता था, अब आप लोगों ने बहुत सिद्ध कर दिया तो उसको भी घोषित कर दिया। हाँ सुनो तो, नकली क्या, असली तो कुछ है ही नहीं संसार में। एक असली आवरण होता था जो प्राचीन काल के जो बुढ़िया होती थी वो पहनती थी असली, नहीं समझे, आप लोग भूल गए होंगे। असली कहते हैं उसको, हम तो असली बोलते हैं उसको। हाँ हाँ वो पहनते थे, आज कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो पूछा कि क्या करना चाह रहे हो, हम यही बोलना चाहते हैं कि अर्थ और बैंकिंग व्यवस्था क्या है हमें बता दो। अरे बैंक तो हमने कभी देखा ही नहीं और बैंक का मुंह किस ओर रहता पता भी नहीं मुझे, लेकिन इतना अवश्य है कि भारत में भी बैंक व्यवस्था थी और हम आधार पर आपको बता देंगे। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास गुप्त फांड प्रमाणातिक्रमांक, बस ये बैंक का नियम था। इन प्रमाणों का कभी भी आप उल्लंघन मत करो, अवश्य आपका हो जाएगा। तो क्षेत्र लिया उन्होंने, इन सभी चीजों के ऊपर ताला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा था। हाँ बता दो महाराज क्या है, फिर अर्थ क्या है ये बता दो। सीए वालों को अर्थ नीति नहीं समझाया जाता, इसलिए कौटिल्य है ये, यह है एकदम समझ में किसी को आएगा ही नहीं, ये पक्का है। तो क्या है ये बताओ, अर्थ का अर्थ ही कहीं लिखा हुआ नहीं,
जिसको आप नोट बोलते हो उसका कोई भी मूल्य होता ही नहीं। वस्तु यदि है, उपभोक्ता यदि है, तो उसका मूल्य समझ में आता है। इस वस्तु को यदि हम खरीदना चाहते हैं तो इसका मूल्य इतना होगा, बस मूल्य निर्धारण हेतु जो व्यवस्था की गई है उसका नाम अर्थ है। वो कहीं भी किसी भी रूप में आप इसको घुमाओ, घूमता रहेगा। अब आज माथा भी घूम रहा है उसके साथ। देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग अभी भी शिक्षा नीति से अनभिज्ञ ही रहे हैं, विज्ञ नहीं हुए हैं। विज्ञ होने के लिए हमें चाहिए किससे हमारा भला होता है ये निर्णय पहले चाहिए। और ये इस निर्णय के बिना कितने भी आप पढ़ लो, सीख लो, अनुसंधान कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। यह बात मुझे जब समझ में आ गई कि यह CA कोई डिग्री कोर्स नहीं है, यह समझा कि डिग्री है कि इसको क्या बोलते हैं, ये तो डिप्लोमा है। इसी प्रकार वकालत करना, LLB करना, यह भी डिग्री नहीं है। अब वो कहने लगे इसको भी डिग्री, ग्रेजुएट है ये भी, किंतु वह वस्तुतः ग्रेजुएट नहीं था। इसी प्रकार हम भी, हाँ भी इंजीनियर भी ग्रेजुएट नहीं है, और वह भी एक प्रकार से, सुनो तो, वह भी एक प्रकार से डिग्री न हो करके वह भी डिप्लोमा के अंतर्गत ही आ जाता है। ये महाराज कब आपको कैसे मालूम पड़ा? हमने डिग्री तो नहीं दी, लेकिन डिग्री का अर्थ क्या निकलता है ये अपने आप ही समझ में आता है, ये निकाला तो ये बिल्कुल ठीक है महाराज, ये अर्थ ठीक है। तो इसलिए जो मन और इंद्रियों के ऊपर जो संयम नहीं रखता है उसके पास शिक्षा है ही नहीं। ये इंग्लिश कोर्स शब्द से ही आप देख सकते हो, एजुकेटेड। हाँ, ये क्या है? तो कहते हैं एजुकेट का अर्थ होता है टू ट्रेन माइंड एंड करेक्टर। मन के ऊपर नियंत्रण रखने की यदि कला है तो वह एजुकेशन कहलाता है। है ऐसा कोई घर यहाँ पर? नहीं महाराज, बच्चों को कुछ भी मत कहो, मत को कहता नहीं भैया, आपका बच्चा है ले जाओ। आप उसको यदि प्रतिभा संपन्न बनाना चाहते हो तो आपको पहले दान देना होगा। हम लिखित रूप से देते हैं, यह पढ़ा लिखा होने के उपरांत आपका ही रहेगा। यदि आग्रह वह करेगा तो हम उसको रखने के लिए तैयार होंगे, किंतु आपकी अनुमति के बिना नहीं रख सकेंगे। ऐसे हमारे पास ब्रह्मचारी लोग आते हैं, जो आपने उनको पढ़ा लिखा बना करके, कोई MBA है, कोई MBA है, कोई फार्मेसी है और इंफॉर्मा भी है, तो बहुत सारे सारे डिग्री लेकर के आए। महाराज हम संग में रहना चाहते हैं। अब आप भी बताओ, 50 ब्रह्मचारियों को लौटा है अभी? हाँ देख लेते हैं। ये अब दुकान की बात है, ये हम क्या कर सकते हैं, किंतु उनमें से चुन चुन करके लेते हैं और वो रह जाते हैं और इस प्रकार कार्य करेंगे। इनके संकल्प बहुत ही आदर्श है, ये बच करके आए हैं। सारे सारे पैकेज वाले हैं, उनको समझ में आ गया कि महाराज इसमें कुछ रखा नहीं है।
हाँ माथा पकड़ करके रो रहे हैं ये आपके ही बच्चे, और नौकरी के अलावा कुछ कर नहीं सकते, ये अनुभव इनके पास है ही नहीं। जो इन्होंने अच्छे एमए तक पढ़ लिया उसका वो किसी काम में नहीं आता, इसलिए वो कहते हैं हमारे पास को अनुभव नहीं होने के कारण हमें कोई काम धंधा नहीं दे सकता, फिर हम कहाँ जाएं? अन्य सा शरण, भगवान भगवान ही हमारे लिए शरण है, और भगवान हमसे कोई बोलते नहीं, और हमें कह रखा है उनके लिए भी कुछ बोल करके आश्वासन देओ। तो हम देखो जैसे आप कहोगे उसके अनुसार हम करने के लिए तैयार है। तो एजुकेटेड का अर्थ ये हुआ जिसका मन ठिकाने नहीं है, इंद्रियां ठिकाने नहीं है, वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर नए सिरे से उनको प्रशिक्षित दीक्षित करके यह आप लोगों के पास भेजे जाएंगे, लेकिन आपसे प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, और आप उनसे कुछ सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, अनुभव लेना चाहें, तो आप उनको आप ये ब्रह्मचारी लोग आपको दे सकते हैं, और हमारे पास और कुछ है नहीं। ये कहने से उन सब सीए की टीम ने कहा महाराज ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये किताब है देख लो। आज तक यह इसका महत्व अन्यत्र कहीं भी नहीं है। लोक नीति नीति होती है, यदि लोक से आप बचोगे कभी भी आप सफल नहीं हो सकोगे। राम ने भी इस बात को स्वीकारा, नहीं मैं यदि केवल सीता की ओर देखूंगा तो ये गलत कर रहा हूं मैं, सीता को पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं, इनको कहने की आवश्यकता है। और अंत तो गत्वा यही बात हुई, राम की बात बाद में मानी जाएगी, पहले राम को तो चाहिए जनता की मांग को समझे, और जनता को ना सुन करके अपने आप ही बना दिया इनको आप अपने पास रख लो सीता को। और उसी समय तो आपका हो रहा है सज्जा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब क्या करें हम संयम नहीं रख पाए। अहिंसा परमो धर्म की।